नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि ओवरलैपिंग से म्यूचुअल फंड में कितना नुकसान है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि SBI, ICICI, HDFC, निपॉन, क्वांट, एक्सिस, DSP, फ्रैंकलिन, कोटक, जो भी आप जानते हैं सबका स्मॉल कैप ले लीजिए। और यदि आपने 6-7 स्मॉल कैप ले लिया तो तरह तरह से मुझे सुनना पड़ता है, ये क्या बताएगा, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, डूब जाओगे, हरा जाओगे, भाग जाएगा। अगर सिर्फ स्मॉल कैप लिया तो इतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, उस पर वीडियो है आज। तो आपने ये लिया और सिर्फ स्मॉल कैप लिया तो मान लेते हैं कि 50% ओवरलैप हो गया, मतलब इसके फंड मैनेजर ने, इसके फंड मैनेजर ने जो जो लिया 50-50 कंपनी में इन्वेस्ट किया, पता चलता है कि आधा 50% सब लोगों ने लिया है। अगर 400 कंपनी में टोटल पैसा इन्वेस्टेड है तो 200 कॉमन है, सब लोगों ने 200 लिया है, तो 50% ओवरलैप हो गया तो नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरा होता है कि आप 10,000 का SIP मुझे लेना है, 5,000 का दो लेता हूं और आप कह रहे हैं कि 2,000 का पांच ले लो, तो इस पे तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा मुझे समझ में नहीं आता है। 10,000 का 1% अगर एक्सपेंस होता है या 2% होता है, 1% के रेट से 100 रुपया होता है, 1.5% के रेट से 150 रुपया होगा। पर अगर 2,000 रुपया करके पांच किया तो 2,000 का 1% 20 रुपया होता है। पांच फंड लिए तो 20×5=100 रुपया यहां भी है, 100 रुपया यहां है, या 150 रुपया यहां होगा, 150 रुपया यहां होगा, तो बात तो बराबर ही है ना। आप 1,000 करके 10 ले लीजिए या एक बार 10,000 का ले लीजिए, 10,000 का 1% भी उतना ही होता है। 1,000 का 10 लेने के बाद जब जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो बराबर ही पैसा आएगा, तो एक्सपेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है कि ओवरलैप से कितना नुकसान होता है। मान लेते हैं फंड मैनेजर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फंड मैनेजर 5 है, कुछ कॉमन स्टॉक ले लिया। आप ऐसे समझिए कि घर में 5 लोग हैं, इनको भी एप्पल पसंद है, इनको भी एप्पल पसंद है, इनको भी सेब पसंद है, सबको सेब पसंद है, घर में सेब ज्यादा आ गया भाई, वही पसंद है। इस फंड मैनेजर को भी वही स्टॉक पसंद है, इनको भी वही पसंद है, वही भी पसंद है। अब कहना है कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये समझिए। ओवरलैपिंग से नुकसान हो जाता है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता है। मान लेते हैं कि ये जो कॉमन स्टॉक लिया, यदि तो ये गिर जाए दूसरे फंड मैनेजर के तुलना में, एक अलग सा बास्केट है फंड का जहां पे सब अलग अलग है, 5 फंड मैनेजर है, सबके पास अलग अलग स्टॉक है, तो आप उसको देखिए कि वो अगर ज्यादा बढ़ जाए फिर तो समझ में आता है कि बढ़ गया, पर ये गिर जाएगा ये कहां लिखा हुआ है या ये कैसे पता चलेगा। फंड मैनेजर ने जो कंपनी लिया वो ओवरऑल गिर गया या दूसरे ने जो लिया वो ज्यादा बढ़ गया। इतिहास यही बताता है कि जितना भी कॉमन स्टॉक लिया है वो ज्यादा बढ़ा है, वो लिया भी सब फंड मैनेजर ने इसीलिए है कि वो कंपनी ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो बढ़िया बात है कि अगर ओवरलैप है 50% का तो क्वालिटी का चीज लिया है, एकदम हीरा मोती चुन के लिया है तो ही वो बढ़ रहा है। तो मुझे ये कभी लॉजिक समझ में नहीं आता है। कोई अगर लॉजिक लगाने वाले हैं तो हमारे पास आइए, हमारे चैनल में इंटरव्यू दीजिए कि कैसे नुकसान हो सकता है ओवरलैपिंग में। बचपन से मैंने भी यही सुना है, अरे ओवरलैपिंग हो गया, 5 फंड ले लिया, अच्छा 10 फंड ले लिया, ओवरलैपिंग हो गया, इससे तो नुकसान है। कैसे नुकसान है मैथ के रूप में बताइए, मैथमेटिक्स के रूप में आप जो भी बोलेंगे मुझे सारा समझ में आएगा। तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे जो मैं फंड का बात करता हूँ, ये स्मॉल कैप में कहता हूँ कि टॉप का जो स्मॉल कैप दिख रहा है उसको आप ले लीजिए। आपने ले लिया और पता चलता है कि 5 स्मॉल कैप जब लिया तो उसमें कुछ कॉमन स्टॉक हो गया, ये इस तरह से दिखेगा, जब आप इसको टच करेंगे तो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में फंड मैनेजर ने कहां कहां पैसा लगाया है, पोर्टफोलियो होल्डिंग, तो इतने सारे कंपनी में पैसा लगा दिया, ठीक है। ये सारे कंपनी में जैसे जैसे इनका AUM बढ़ता गया, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता गया। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जितना AUM है किसी भी स्मॉल कैप में नहीं है, ठीक उसी तरह निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जितना स्टॉक्स है उतना किसी भी स्मॉल कैप या किसी भी म्यूचुअल फंड में उतना स्टॉक्स नहीं है। 183-184 स्टॉक्स है किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, इतना स्टॉक्स नहीं है। यानी कि आपने अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में पैसा लगाया और कोई कहा कि आपका पैसा डूब गया तो 184 कंपनी को डूबना पड़ेगा, हाहाकार मच जाएगा, सुनामी, भूकंप, परमाणु बम गिरेगा, तब जाके 184 कंपनी खत्म होगा। जब 21 दिन तक ताला लगा के घर में बैठे थे भूतकाल में, मोबाइल टीवी रिंगटोन से डर के बैठे थे, तो 3-4 कंपनी शटर बंद हुआ था, दिवालिया नहीं हुआ, बाद में फिर से खुल गया, सबका पैसा भी लौट गया,
तो इतना कंपनी जब डूबेगा ना तो देश नहीं बचेगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जितने भी आपने स्मॉल कैप लिया है उसमें से ओवरलैप होगा, पर ओवरलैप से नुकसान मुझे नहीं लगता है कभी होगा, कभी नहीं हो सकता है नुकसान। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी होगा, कोई अच्छा कर जाए कोई अच्छा कर जाए, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि जो कॉमन स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो है वो ज्यादा अच्छा बेहतर किया है दूसरे की तुलना में। अब कुछ कमेंट्स का यहाँ पे बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ भी नया नहीं बताया, 20 साल किसने देखा है, क्विक मनी के लिए बताइए। 20 साल मैंने देखा है, 25-30 साल हमने देखा है। क्विक मनी चाहिए तो विवेक बिंद्रा जी बहुत अच्छा बताते हैं, आज लगाओ कल पाओ, तीसरा लगा के घर जाओ। और सोनू शर्मा है, एकदम लगाओ एकदम तुरंत पा लो, तुरंत पाना है तो दूसरे दूसरे चैनल है, एकदम तुरंत करोड़पति बन जाएंगे, कोई बना या ना बना वो जरूर बन गए। हमारे अंदर जो इन्वेस्टर इतना टाइम दिया है, इतना भी नहीं 10 साल 12 साल 8 साल 9 साल टाइम दिया है, 1-1 करोड़ रुपया न जाने कितने इन्वेस्टर को बन गया है। अगला कमेंट है, राजू भैया पोर्टफोलियो में कितना स्मॉल कैप होना चाहिए, मेरे पास 7 स्मॉल कैप है। लोग कहते हैं कि रिस्क है, बिल्कुल रिस्क नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, लोगों को बोलने दीजिए, हमें भी लोग बोलते रहे। और इतना ज्यादा बोलने वाला है ही नहीं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानता कितना लोग है, हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, हमें तो कोई मिला नहीं। आप कहते हैं कि बोलने वाला है, कोई बोलने वाला नहीं भाई, एक आध बंदा होगा आपका मित्र वो बोलेंगे। आप कंटिन्यू कीजिए, उनके पोर्टफोलियो से आपका पोर्टफोलियो आगे हो जाएगा, कभी नीचे होगा तो घबराना नहीं है, एकदम टॉपअप मार देना है चलान, धीरे धीरे देखेंगे कोई भी पोर्टफोलियो होगा उससे बेहतर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राजू सर काइंडली रिव्यू माई पोर्टफोलियो, SBI लार्ज एंड मिड कैप 2,12,000 लमसम, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप 2,000 का SIP, एक्सिस स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, निपोन स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप यह भी बेहतरीन फंड, कोटक इमर्जिंग मिड कैप, इमर्जिंग इक्विटी चेंज कर दीजिए मिड कैप से, यह भी 2,000 रुपये पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000 रुपये पर मंथ, निपोन 150 मिड कैप इंडेक्स 2,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000, एडेलवाइस मल्टी कैप 2,000, ICICI पोटेंशियल कमोडिटीज इसको चेंज करके ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी या ICICI स्मॉल कैप। सेक्टोरियल फंड में मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत कीजिए, कोई भी सेक्टर का एक टाइम होता है, आपको सेक्टर में नहीं जाना है, फंड मैनेजर को स्वतंत्रता दीजिए कि जहां मर्जी वो पैसा लगाए, एक ही सेक्टर में उनको बांधिए मत। मोतीलाल ओसवाल 250 माइक्रो कैप, सारे फंड आपके अच्छे हैं, टोटल मंथली SIP 24,000 रुपया और टोटल इन्वेस्टमेंट अभी 8,90,000 है, बेहतरीन है, कंटिन्यू करते रहिए, जैसे जैसे गिरावट हो स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करते रहिए, 1 करोड़ का आप टारगेट रखिए, पहले 10 साल में वो पूरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजू सर मुझे SIP करना है और मेरे बजट में 2,000 रुपये पर मंथ, 10 साल वेट कर सकता हूँ, 10 साल के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहने का बात है कि 10 साल तक इन्वेस्ट करना है, लोग 15 साल 20 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 2,000 से शुरुआत आप जरूर कर रहे हैं, ये टाइम मत बांधिए, आपको जब अच्छा लगेगा 15 से 20% के बीच रिटर्न मिलेगा तो आप कंटिन्यू करते रहेंगे। 1-1,000 का 2 फंड SBI स्मॉल कैप, निपोन स्मॉल कैप में SIP शुरू कर दीजिए, काफी बेहतरीन फ्यूचर रहेगा। आगे है, राजू सर ये बताए कि यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? कभी सही नहीं रहेगा, नींद में भी पूछेंगे ना, सपनों में भी बड़बड़ा करके भी बोलूंगा, कभी सही नहीं रहेगा, इससे तो अच्छा है SBI स्मॉल कैप, SBI मिड कैप, SBI फ्लेक्सी कैप, सिर्फ SBI का प्लान आप ले लीजिए, बगल के SBI के ब्रांच में जाइए और SBI का जितना म्यूचुअल फंड है इक्विटी में ऊपर से नीचे देख लीजिए, वो सब में इन्वेस्ट कर दीजिए बराबर बराबर। यूलिप से जितना जल्दी हो सके, जो भी लोग देख रहे हैं कोई भी यूलिप चल रहा है, हाथ जोड़ के बाहर निकल जाइए, SBI स्मॉल कैप SBI मिड कैप में सारा पैसा झोंक दीजिए। अगला है, प्लीज रिव्यू माई पोर्टफोलियो, क्वांट स्मॉल कैप बेहतरीन फंड 3,000 रुपये पर मंथ, निपोन स्मॉल कैप 3,000, निपोन ग्रोथ फंड 3,000 रुपया, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1,500 रुपये, मोतीलाल मिड कैप 1,500, आदित्य बिरला PSU फंड, इससे निकल करके आदित्य बिरला स्मॉल कैप में आ जाइए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे भी निकल करके HDFC स्मॉल कैप में आ जाइए, बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, टारगेट 1 करोड़ रुपया रखिए, 15 साल में पूरा हो जाएगा। अगला कमेंट्स है, आप हमेशा बोलते हैं कि कोई भी बैंक वाला म्यूचुअल फंड लीजिए इन्वेस्ट कीजिए, क्या मतलब है इसका, क्या हम नॉन बैंक वाला फंड लेंगे तो क्या उसमें नुकसान हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा? रिस्क ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूं बैंक SBI HDFC ICICI कोटक एक्सिस बैंक भी है, इसका म्यूचुअल फंड भी है, तो दोनों का कोर टीम जो है ना
जब एनालाइज करते हैं, किसी कंपनी को चुनते हैं तो बैंक भी चुनता है, इतना बड़ा बैंक है, इतना एसेट है, वो भी चुनते हैं, और म्यूचुअल फंड एएमसी के फंड मैनेजर भी चुनते हैं। तो की पर्सन जो है ना ऊपर जो है दोनों एक ही है, तो कोई छानबीन चलता है, तो बड़ा स्ट्रक्चर है उनके पास। अब छोटा सा कोई एएमसी है, सिर्फ एएमसी का काम करते हैं, 5,000-10,000 करोड़ का ईओएम है, तो क्या वो छानबीन करे, क्या पता लगाए। लेकिन जो बैंक है इनके पास इतना ज्यादा स्ट्रक्चर है कि दोनों का रीच बहुत दूर तक है, तो दोनों मिलके कुछ अच्छा एनालाइज कर सकते हैं, अच्छा कंपनी चुन सकते हैं। कहीं बवंडर है तो पहले पता बैंक को चलेगा, जो सबसे ज्यादा बड़ा है बवंडर उसी को पता चलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि बैंक वाला म्यूचुअल फंड लीजिए, वहां पे रिस्क कम होगा क्योंकि एक्सपर्ट वहां ज्यादा बैठे हुए हैं। और कोई बात नहीं है, लेने का है निपॉन, डीएसपी, फ्रैंकलिन, इसमें भी जा सकते हैं, लेकिन पहला शुरुआत आप बैंक वाले म्यूचुअल फंड से कीजिए, उसमें भी स्मॉल कैप में कीजिए, ज्यादा अच्छा है। फ्रैंकलिन टेम्पेंडल म्यूचुअल फंड स्कैम हुआ कुछ साल पहले, बहुत पैसा मुश्किल हुआ निकाल पाया। स्कैम फ्रैंकलिन ने नहीं किया, वो भूतकाल में ऐसा बवंडर हुआ कि सारा कंपनी बंद हो गया, जिस कंपनी से पैसा आना था वो शटर गिर गया, तो पैसा कैसे देता। बाद में जब शटर खुला, जब सब कुछ चला, ऑनलाइन ऑनलाइन सब दिवालिया होना शुरू हुआ और ऑफलाइन शटर खुलना शुरू हुआ, तब जाके आपको पैसा मिलना शुरू हुआ। अगर हम और आप जागते नहीं, वो तीसरा वेब में भी डर के बैठ जाते, तो फिर वही होता, ये पैसा कभी नहीं दे पाता। धीरे 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 जब सब कुछ चला, तो ये सारा पैसा जहाँ फंसा था वहाँ पैसा वापस हुआ। इसमें फ्रैंकलिन का कोई दोष नहीं है, जहाँ भी पैसा लगाया SBI, HDFC, ICICI, वो सारे कंपनी बैठ जाए, शटर लग जाए, तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है, तो इसका दोष नहीं है। जैसे ही खुला फिर से आपको पैसा वापस मिल गया। अगला कमेंट है, सर मुझे हिंदी नहीं आता, आपका वीडियो देखते हैं पिछले 1 साल से और SIP स्टार्ट किया है, गोल 4 करोड़ रुपया है 20 साल में, SBI स्मॉल कैप 3,000 बेहतरीन, निपोन स्मॉल कैप 3,000, क्या कोई चांस है कि 4 करोड़ रुपया बन जाए। 6,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, 20 साल में 4 करोड़ रुपया चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। एकदम ख्याली पकाओ नहीं बनाना है कि ऐसा हो जाएगा और 50 लाख या 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तो आत्महत्या कर लेंगे। 6,000 रुपये पर मंथ है तो 6,000 रुपये पर मंथ यहाँ लिख दिए, 20 साल तक आप लगाना चाहते हैं लगा दिए, चलो भाई 15% का रिटर्न मिल गया अगर, तो 90 लाख रुपया बनता है। 15 से ज्यादा मिल गया, 18 मिल गया, तो क्या होगा, 18% में 1,40,00,000 रुपये बन जाएगा। आपको कितना चाहिए, 4 करोड़ रुपया चाहिए, तो 25% का रिटर्न सालाना मिले 6,000 रुपये से, तो इतना हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, कौन जाने, हो भी सकता है। पिछला क्या बताते हैं, पिछला यहां पे बताते हैं कि इसने 26% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर यही दौर चलता रहा चलता रहा चलता रहा 20 साल तक, तो 4 करोड़ भी हो जाएगा। नहीं हो तो रोना नहीं है, धोना नहीं है। आपके जितने भी मित्रगण होंगे, अगर 1 करोड़ रुपया भी होगा ना 6,000 रुपये पर मंथ के दर से 20 साल में, तो आपके जितने भी मित्रगण है, परिवारगण है, उनके पास वो पैसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मचमच फंड में पैसा नहीं डाला है। आपको इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के जितने भी वीडियो है हमारे, उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हुआ है, वो लिंक को इस तरह से समझ लीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड शुरुआत करना चाहते हैं, भारत देश में रहते हैं, इस लिंक को क्लिक करेंगे, मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बार अकाउंट नंबर, पैन नंबर, एड्रेस डालना है, उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ऐप का और मेरे सर्विस का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप विदेश में रहते हैं, गल्फ कंट्री में, यूके में, यूएस में, इस लिंक को क्लिक करेंगे, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपके पास मोबाइल नंबर है नहीं है कोई मतलब नहीं, ईमेल आईडी लिखेंगे, सारा वेरिफिकेशन ईमेल से होगा। आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड के पार्टनर बनना चाहते हैं, इस तरह का कोई सहायता चाहिए ऑनलाइन, तो इसमें आके आप ARN नंबर है वहां से आप आगे बढ़ के पार्टनर का एज ए पार्टनर काम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आपके पूरे फैमिली मेंबर में हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है और सालों साल से चलता आ रहा है, 20 साल 25 साल गुजर गया है और वो प्रॉब्लम से निजात नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे अमित जी का नंबर है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले आप यहाँ पे, ये चैनल है हमारे साथ ही MH जी रहते हैं, रोज लगभग एक वीडियो डालते हैं, नाइस क्योर सेंटर के नाम से है, छोटे छोटे प्रॉब्लम को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट करके आप उनसे सहायता ले सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो WhatsApp यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।